वाशबोध सर्जन, पौधों की पत्तियों और तनों से पानी का आसपास के वातावरण में वाष्पीकरण होना वाशबोध सर्जन कहलाता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करके अपना पानी प्राप्त करते हैं। अधिकांश पौधों में उनकी पत्तियों के निचले किनारों पर छेद पाए जाते हैं, जिन्हें कि रंध्र कहा जाता है। पानी का वाष्पीकरण इन्हीं छेदों के द्वारा होता है। पौधे अपने रंध्रों को खोल व बंद कर सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखता है, कोशिकाओं के परासरण दाब को परिवर्तित करता है और पौधों में नीचे से ऊपर तक पानी और पोषक तत्वों के समूहित प्रवाह को सक्षम बनाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए आपको चाहिए पॉलिथीन या पन्नी कवर, गमले वाला एक पौधा, वैसलीन, परख नलियाँ, परख नली स्टैंड, सिरिंज, धागा और मार्कर पेन। चार पॉलिथीन कवर लें और उन्हें मार्कर से ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित कर लें। अब चार परख नलियाँ लें और उन्हें भी ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित कर लें। पौधे में से किन्हीं चार स्वस्थ ताज़ी पत्तियों का चयन करें। एक ही शाखा से सभी चारों पत्तियों का चयन नहीं करें, हर शाखा से एक ही पत्ती का चयन करें। पत्तियों को भी ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित कर लें। उन पत्तियों में दिखाई अनुसार वैसलीन लगा लें। पत्ती ए पर कोई वैसलीन नहीं लगाएं। पत्ती बी के केवल ऊपरी सतह पर वैसलीन लगाएं। पत्ती सी के केवल निचली सतह पर वैसलीन लगाएं और पत्ती डी के दोनों सतहों पर वैसलीन लगाएं। अब संबंधित पॉलिथीन कवर के साथ पत्तियों को, पत्ती ए को पॉलिथीन कवर ए में, पत्ती बी को पॉलिथीन कवर बी में और इसी प्रकार से अन्य को लपेट लें और उन्हें धागे से बांध लें। पत्तियों को कम से कम एक घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। पानी की बूंदें पॉलिथीन कवर में इकट्ठी हो जाएंगे। पॉलिथीन कवर के पानी को संबंधित परख नलियों में स्थानांतरित कर लें। अब पानी के स्तर की तुलना करें। आप देखेंगे कि पत्ती ए में सबसे अधिक पानी की बूंदियां होंगी, उसके बाद पत्ती बी और फिर पत्ती सी में। पत्ती डी में पानी की एक भी बूंद नहीं होगी। इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि पानी की बूंदें पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन करने के कारण हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह की तुलना में निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं। वैसलीन लगाकर हमने रंध्रों को बंद कर दिया था। इस प्रकार पत्ती ए ने सबसे अधिक पानी का वाष्पोत्सर्जन किया, उसके बाद पत्ती बी, पत्ती सी और पत्ती डी ने। सवाल जवाब। रेगिस्तान जैसी जगहों पर जहां पानी कम है, क्या वहां भी पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं? रेगिस्तान में नागफनी या कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं और इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के तरीके विकसित हो चुके हैं। इनमें पत्तियां मोटी सुई की तरह कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और रंध्र दरअसल तनों में पाए जाते हैं। कैक्टस के पौधे आमतौर पर पानी के नुकसान को कम करने के लिए दिन में रंध्रों को बंद रखते हैं और केवल रात के समय खोलते हैं। क्या पौधों में वाष्पोत्सर्जन इंसानों में पसीना आने के समान ही है? वाष्पोत्सर्जन होना और पसीना आना वास्तव में काफी समान है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन में पानी का ह्रास पानी की वाष्प के रूप में होता है और पसीने में इसका तरल के रूप में होता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य पूरे पौधे में पानी के प्रवाह को सक्षम बनाना है, जबकि पसीना आने का मुख्य उद्देश्य शरीर को ठंडा बनाए रखने का है।